तो चार नामों पर हमने चर्चा कर ली है, अब बचा पांचवा, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम कहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पांचवा नाम है, हमने इस समय मिड कैप कैटेगरी में एक फंड हमने उसको सजेस्ट कर रहे हैं। ये फंड जो है, ये है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड काफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिड कैप फंड, अगर हम मिड कैप कैटेगरी में बात करें। जब तक मेरा मेरा जब तक मेरी मेरी याददाश्त मुझे याद दिला रही है, तो आई थिंक ये अराउंड आई थिंक 27 या 29 साल पुराना मिड कैप फंड है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। और ये फंड जो है, काफी समय से टॉप 3 या टॉप 5 में आप मिड कैप कैटेगरी में हमेशा आपको दिखेगा। मिड कैप फंड है तो थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, या फिर वोलेटाइल होगा अगर आज के समय में अगर देखा जाए तो। अगर आज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आज के समय में अगर मार्केट अगर कुछ पॉइंट से या फिर कुछ परसेंट से कम हुआ है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो फॉल है वो उससे बड़ा है, राइट? तो ये वोलेटिलिटी एस्पेक्ट इस फंड में रहेगा। और इस फंड में आज के समय में 96% इन्वेस्टेड है, तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है। 42% जो है वो लार्ज कैप में है, 56% मिड कैप है, और अराउंड 2% जो है वो स्मॉल कैप में है। और अगर आप मिड कैप एलोकेशन में अगर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसका एलोकेशन जब हम शुरुआत में बोल रहे थे कि अराउंड 20% हमेशा रख सकते हैं आप, यानी हमेशा यानी 20% आप रख सकते हैं, तो अगर आपका कंफर्ट आज के समय में मिड कैप को देखकर नहीं है, तो आप एलोकेशन को कम करके अराउंड 12 या 15% के आसपास रख सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोई मिड कैप फंड को देखें, तो उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, उसको कम से कम 5-7 साल के ऊपर की होल्डिंग पीरियड के हिसाब से मिड कैप फंड्स को देखें।